अपनी मोटरसाइकिल से करते हैं ना, वो चोरे नुक्कड़ पे खड़े रहकर किसी का इंतजार नहीं करते। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, आसान बात नहीं है। सो हाय गाइस, आज है डे 6 लेह लद्दाख में, और ये जो सीरीज है डे बाय डे की बन रही है, और आज डे 6 है। हम लेह से खारदुंगला के लिए निकल रहे हैं। इसी वीडियो में खारदुंगला की वीडियोस देखने को मिलेगी, और हमारी बाइक लोडेड हो चुकी है, लगेज सारा लग गया और रेडी हो रहे हैं, और जस्ट लगेज लगा के यहाँ से निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। आज का दिन काफ़ी अच्छा होने वाला है, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, और कहीं रुकेंगे तो पेट्रोल भरवाएंगे, फिल पूरा फिल अप कराएंगे, और देखते हैं कहीं से इंजन ऑयल मिलेगा तो इंजन ऑयल हम कैरी कर लेंगे। थोड़ा कंटिन्यूस बोलने पे यहाँ पे सांस फूलती है, इसलिए व्लॉग में कम कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यूस बोलने पे ना, यहाँ पे क्या है कि जो ले है वो 16,000 फीट पे है समुद्री लेवल से, तो इसी वजह से थोड़ा सा कंटिन्यूस बोलने पर साँस फूल जाती है। देखते हैं आगे की, कंटिन्यू करते हैं राइड, हम आपसे मिलते हैं मोटो व्लॉग मोड में। हम होटल से निकल रहे हैं, 2 दिन का स्टे लिया था हमने, मतलब 2 नाइट का, 1 डे का। काफ़ी अच्छा होटल है, जावा गेस्ट हाउस, कभी आओ तो आप रुकना। ये हमें पड़ा था 1800 रुपये 6 बंदों का, 5 बंदों का सॉरी। काफ़ी अच्छा स्टे रहा हमारा यहाँ पे ना, खारदुंगला के लिए, जो कि 34 किलोमीटर आगे रहने वाला है हमारा लेह से। और रोड है देखो भाई, एक नंबर है यहाँ पे, बस थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा क्योंकि डिवाइडर यहाँ पे नहीं है। काफ़ी राइडर हमारे आगे जा चुके हैं, थोड़े बहुत पीछे हैं, और मिलते हैं आगे की जर्नी पे। अभी ठंड लग रही है थोड़ी सी हाथों में, ग्लव्स पहन लेते हैं, फिर काम बढ़िया हो जाएगा अपना। सामने देखो बर्फ़ वाला पहाड़ पास में ही रह गया, महसूस हो रही है ठंड कि हम, हाँ भाई बर्फ़ में जा रहे हैं। खारदुंगला टॉप पे ज़रूर से बर्फ़ मिलेगी वहाँ पे, दबा के हमें कपड़े अच्छे खासे मोटे पहन लिए हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेन लाइनर पहनना पड़ेगा हमें, इसके अंदर रेन लाइनर उतार रखा है ना। यार ये है एक व्यू पॉइंट जो कि काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, मज़ा ही आ गया देख के यार, एक फ़ोटो ले ली जाए। यहाँ पर कुछ स्नैक्स के लिए भी है, बाइक्स के साथ लेंगे पिक, ज़बरदस्त। सब यहाँ पे पिक्स ले रहे हैं, व्यू पॉइंट ले, आगे रोक लेना भाई व्यू पॉइंट ले पे, बर्फ के पहाड़ के पैरेलल हैं। हाँ तो ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा कम है यहाँ पे, हम तो मैं कपूर डाल के चल रहे हैं। अच्छा हाँ, तो यार गाइस भैया बीकानेर से हैं, भैया बाइक के साथ फोटोज ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे, व्यू पॉइंट बना रखा है ले में, मज़ा ही आ गया यहाँ पे आके। अच्छा भैया आपका ब्लॉग है क्या? हाँ जी। कौन से अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा मिलके। और गाइस काफी हाइट पे आ चुके हम, साउथ पुल्लू अभी यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया है, फिर उसके बाद खारदुंगला टॉप लगभग आई थिंक 15 किलोमीटर के आसपास रह गया होगा, और हमें बर्फ़ मिलनी चालू हो गई है, जो नीचे बर्फ़ पड़ी है ये पहाड़ों पे बर्फ़, और ठंड यहाँ पे एक्सीलेंट वाली है, दबा के ठंड हो रही है। तो भाई साउथ पुल्लू सामने ही है, साउथ पुल्लू आ चुका है, हम आ गए हैं खारदुंगला पास के नियरेस्ट। अब यहाँ पे क्या है कि स्नो पड़नी स्टार्ट हो गई है, धीमे धीमे स्नो पड़ रही है, और मज़ा सा भी आ रहा है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे ना, और ऐसे नज़ारे कहाँ ही मिलेंगे, बर्फ़ ओ बेटा दे जान, अभी तो आगे और आगे जाके बर्फ़ बहुत मिलेगी। हम कितनी हाइट पे आ गए, जो नीचे से लेह से ऊपर पहाड़ दिख रहे थे उससे काफ़ी ऊंची सतह पे आ गए हम, ये देखो सारी बर्फ़ ही बर्फ़, ओए होए 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 क्या मज़ेदार पहाड़ है। और गाइस चारों तरफ स्नो आ गई है, हमारे पास भी स्नो है, पड़ रही है स्नो, रेन कवर पहन रहे हैं। यहाँ पे व्यू देखो यार, कितनी ही बर्फ है यार, मजा ही आ गया, सब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं भाई साहब, नीचे देखो ओसम यार ओसम, वाह यार वाह, मजा आ गया, रेन कोट हमें अभी नहीं पहनना चाहिए था। सी गाइस स्नोफॉल हो रहा है, और अद्भुत नज़ारे है, फोटो खिंचवा ली है,
मगर यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है क्योंकि हमने राइडिंग गियर्स भी पहने हैं, साजिश खुल रही है कि हमारी बाइक लौट लेगी, इस वजह से हमें आ रहे हैं, निकलना जरूरी है। स्नोफॉल और ये हम पहुँचे यहाँ पे खादुंगला टॉप आ गए भाई। या वी आर अराइविंग खादुंगला टॉप, 17,982 फीट। Finally, guys! Snowfall हो रहा है। Finally यार, we are arriving Khadungla top। यहाँ पे snowfall हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और मेरे helmet के अंदर भी snow जा रहा है, तो एक number मज़ा आ गया। बंदे कहाँ पे चढ़े हैं snow में ना? ये हमारे ध्रुव भाई, finally ध्रुव, मज़ा आ गया। Guys, यहाँ पे है खादुंगला पास का एक फ़ोटो सेशन, यहाँ पे हम फोटो खिंचवाएंगे जो कि है 17,888 फीट। अपनी बाइक यहाँ तक आ गई खादुंगला टॉप तक, 150 सीसी, और काफ़ी अच्छी फीलिंग हो रही है। स्नोफॉल डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है, ऊपर भी हम जा सकते थे बट क्या है कि थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली हम कर रहे हैं। फिर बंद हो जाएगा रास्ता। ये व्यू पॉइंट बना रखा है यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए। मौसम यहाँ पे पूरा वाइट है, फ्रोजन एकदम सब कुछ, स्नोफॉल यहाँ पे हो रहा है, कैमरे पे भी बार बार ही आ रहा है। आगे आ जाओ, व्यू पॉइंट है, यहाँ पे फोटो खींचेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, यही तो होता है टाइम, चल रहे हैं, आ जाओ। फाइनली वी आर अराइव, बैठना मत गीला हो जाएगा। चलो चलो तो यार यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है, पूरा फ्रोजन है ऊपर तक और यहाँ पे सारा। और भाई साहब ये आई चलो आ जाओ। यार शीशे पे ना फॉग भी जम रहे, खोल रहे तो स्नो अंदर आ रही है, ध्यान से आना ठीक है भाई, ब्लैक आइस भी हो सकती है, उसको भी बोल दे। तो यार ऑफ रोड चालू हो गया है खादुंगला टॉप का, और इतनी स्नो है भाई, इतनी स्नो है यहाँ पे, मज़ा ही आ गया। ये देखो भाई साहब, चट्टाने से निकल रही है, कौन पंगे लेगा मुझसे। तो भाई चीर फाड़ कर देंगे, टूट गए यार, शिट। आ रहे हो? चलो शिट यार, गिर गई। पूरा फ्रोजन है, पूरा ही फ्रोजन है भाई साहब, अल्टीमेट भी भाई, अल्टीमेट। यार ये फीमेल राइडर है जो हिमालयन राइड कर रही है, और ये किसी और कंट्री की, इन्होंने फ्लैग लगाया हुआ अपना, और काफ़ी हिम्मत की बात है यार, किसी और की कंट्री की फीमेल यहाँ पे आके इतनी टफ रोडों पे राइड कर रही है हिमालयन। तो गाइस यहाँ पे रोड पे बादल आ गए हैं भाई साहब, बादल चल रहे हैं, बादलों के अंदर है, क्या ही जन्नत है भाई। और स्नोफॉल अभी भी पड़ रही है, कैमरे पे बार बार ही आ रही है, इसको साफ कर रहा हूँ।
और भाई सारा फ्रोजन है और बादलों के अंदर से हम निकल के जा रहे हैं, अलग सी फीलिंग है भाई। दूसरी बार बादलों में से निकला हूँ, एक बार एरोप्लेन पर जब एक और गया, अगर आप कह के अपने खुद फील कर रहे हैं बादलों को, मज़ा आ गया यार। नॉर्थ पुल होगा छोटा सा, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे कुछ रेस्टमेंट लेते हैं फिर आगे की राइड कंटिन्यू करेंगे। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, मेरे पीछे ही है फिर तो हम दोनों भी नहीं यार, प्लीज पीछे रह गया, फिर मेरे आगे नहीं निकला, ये देखता हूँ भैया तेरे पीछे है प्लीज। तो गाइस यार खारदुंगला क्रॉस कर चुके हैं, अब हम उतर रहे हैं नीचे और पूरा पैक हो रखे हैं रेनकोट पूरे। खारदुंगला पे कैसा मजा आया भाई साहब? एकदम जबर मजा, जबर मजा। तो यार ये कोई जगह पड़ी है द बाइकर हाउस, एक कोई टाउन सा पड़ा है यार, नॉर्थ पुल होगा छोटा सा, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे कुछ रेस्टमेंट लेते हैं फिर आगे की राइड कंटिन्यू करेंगे। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। बाइक गिर गई, साइड स्टैंड, रुक जा, ईंटा लगा दूँ, कुछ पत्थर है। पत्थर ये नहीं, गोल सा नहीं, कोई चकोर सा, रुको मैं यहाँ पे लगा दूँ, रहने दो रहने दो, हो गया ठीक है, बाइक गिर गई। तो गाइस नॉर्थ पुल आ चुके हैं और कुछ खाना खाते हैं, लंच करते हैं, जो आगे हमारा खारदुंगला का जो सफर था बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय। बाइक ने चढ़ा दिया, क्या सर परफॉर्म किया, मजा आ गया, मजा आ गया, वी डिड इट। चलो यार कुछ खाते हैं, भूख लग रही है बहुत है। फिर कुछ ऐसे नज़ारे हैं, ऊपर बर्फ पड़ी है और हमने लगभग 80 किलोमीटर्स कवर कर लिया है, कुछ ही दूरी पर हमारा रह गया है नुब्रा, नुब्रा पहुँचते हैं फिर आनंद लेते हैं। ऑफ रोड काफ़ी ज़्यादा आ गई है, कम से कम 15 किलोमीटर का ऑफ रोड मिल चुका है, बस यही है, अपने राइडर आगे निकल गए हैं, कुछ लोग यहाँ से ही उतार रहे हैं ऑफ रोड करते हुए। खारदुंगला के बाद जो आपको है 15 किलोमीटर का ऑफ रोड करना पड़ेगा, और लगभग अभी 15 किलोमीटर हो चुके हैं, 15 किलोमीटर से ज़्यादा ही चल रहा है। ओहो बाइक गिर गई भाई की, हिमालयन ऑफ रोड करके आ रहे थे यहाँ से, हिमालयन गिर गई यार भाई की, भाई फोनर से ये झामर जैसे कुदा देते हैं बाइक, इनका एक्सपीरियंस भी होता है ना, कोई बात नहीं, गिर गई होता है यार, हो जाता कभी कभी यार। ख़तरनाक रास्ता है, नीचे पूरी खाई और नीचे एक नहर बह रही है, यहाँ तक तो रोड बन गई भाई, काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड मिला पीछे का ना। और आप अगर आप आ रहे हो तो आप ये श्योर जरूर कर लेना कि आपकी बाइक के अंजर पंजर सारे टाइट हो, नहीं तो भाई इस ऑफ रोड में अंजर पंजर ढीले होने वाले हैं। मेरी बाइक के लगभग ऑलमोस्ट सारे अंजर पंजर बज रहे थे, धड़ धड़ क्योंकि काफ़ी ऑफ रोड था यहाँ पे ना, और मेरे फ्रेंड्स कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, मेरा गोप्रो हैंग हो गया था, तो गोप्रो की बैटरी काफ़ी देर से निकाल के लगाई नहीं थी, तो काफ़ी ऑफ रोड भी मैंने मिस कर दिया था दिखाने के लिए इसी चक्कर में। तो फिर फाइनली मैंने बैटरी निकालने का सोचा और बाइक रोकने की सोची, इसलिए मैं पीछे रह गया। अल्टीमेट व्यू यार, क्या नज़ारे हैं, मज़ेदार भाई साहब, रोड कितने ज़बरदस्त हैं यहाँ पे।
यार ये ना रास्ता ऐसे सांप सीढ़ी की तरह गोल गोल उतर रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है यहाँ पे बाइक चलाने में ना। और फ्लैट सरफेस है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ खाई हो एक तरफ कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं, फ्लैट सरफेस है, ज़्यादा खाई नहीं है यहाँ पे, तो मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे बाइक चलाने में। देखो अल्टीमेट रोड भाई, ऐसे गोल 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 करके ना उतर रहा है रास्ता, मज़ा आ रहा है। एक नुब्रा वैले के लिए और एक पेंगोंग लेक के लिए, तो आप जो पहले करना चाहते हो आप वहाँ जा सकते हो। तो हम पहले नुब्रा जा रहे हैं, फिर बाद में उसके बाद पेंगोंग लेक जाएंगे। ये नज़ारे देखो आप नीचे के, क्या अल्टीमेट नज़ारे हैं यार। तो यार गाइज आप बताना इस बारी मेरी लेह लद्दाख की सीरीज़ आपको वीडियोस कैसी लगी, क्योंकि मैंने अब दोबारा से स्टार्टिंग किया है मोटर व्लॉगिंग, मैंने बीच में स्टॉप कर दिया था। और अगर आप सबका प्यार रहेगा, आप सबको सपोर्ट मिलेगा, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और कंटिन्यू करूंगा और अच्छे से वीडियोस वगैरह कंप्लीट करा करूंगा। भाई यहाँ पे लिखा हुआ आएगा वेलकम टू नुब्रा वैले, और आपको यहाँ से दो रास्ते कटेंगे, एक नुब्रा वैले की तरफ जा रहे हैं और एक तरफ लेफ्ट हैंड को अगर कट ले लेंगे तो वो सियाचिन बेस कैंप की तरफ को जा रहा है। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है। ओ बंडिया, गो कार्टिंग हो रही है यहाँ पे। ये कुछ हम नुब्रा के पास पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट, और पीछे गो कार्टिंग भी हो रही थी और ATV भी आप चला सकते हो, मज़ेदार एकदम। खालसर नुब्रा लद्दाख, फाइनली 101 किलोमीटर ढाबा लिखा है इसका नाम, 101 किलोमीटर ढाबा। कुछ खाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, और अभी बाहर से देखते हैं कुछ, मैं देख लेता हूँ मेरे को इंजन ऑयल मिल जाता है तो मैं इंजन ऑयल ले लेता हूँ। तो गाइस मैं इंजन ऑयल पता करने गया था, इंजन ऑयल तो यहाँ पे भैया के पास है नहीं, एक वहाँ पे पेट्रोल पंप है पूरा, वहाँ चलते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा भैया कह रहे हैं, इंजन ऑयल लेके आते हैं। और कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ टॉप अप करना है, थोड़ा सा इंजन ऑयल कम हुआ बाइक में, अगर कट लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाइक को रिलीफ मिल जाएगा, अच्छी चलेगी और फर्स्ट क्लास चलेगी। अब कुछ खाते हैं यहाँ पे, कुछ खा के फिर इंजन ऑयल लेके फिर नुब्रा आगे बढ़ते हैं नुब्रा की तरफ। भाई साहब पेट्रोल पंप पे इंजन ऑयल तो रखा है, पूछते भी ऐसे कौन सा चलेगा, WD-40 वैसे तो सारे मॉडल के यहाँ पे, देखता हूँ सर्वो का कौन सा इंजन ऑयल बेस्ट। तो गाइस यार अपना काम नहीं हो पाया यहाँ पे, भैया के पास जो इंजन ऑयल है वो गाड़ी के लिए है, बाइक के लिए कोई भी ऑयल नहीं है, तो कोई बात नहीं, डिस्किट में मिल जाएगा इंजन ऑयल, वहाँ से फिलअप करा लेंगे, टॉप अप कराना है, ज़्यादा नहीं कराना, टॉप अप करा के फिर निकलेंगे। ये जो शख्स है ना, इनकी इतनी वीडियो बनी है, इतनी वीडियो बनी है, मैं ही सबसे पीछे चलता हूँ कि मेरी हल्की बाइक है। जो खाना वो ऑर्डर कर दो भाई, ऐसे तो मैंने इधर उधर ही घूमता रहेगा कि जो खाना ऑर्डर कर दो। अरे तो वही करो ना फिर जो मैं कह रहा हूँ, कढ़ाई दाल मखनी रोटी, कढ़ाई दाल जो मर्जी करो बढ़िया भैया, बिरयानी मंगा लेते जो मर्जी हो, बस खाना है जल्दी से ऑर्डर। तो यार भूख लग रही है, खाना खाते हैं यहाँ पे तो यही चलता रहेगा कि ये मंगाओ वो मंगाओ ये मंगाओ वो मंगाओ ये मंगाओ आप मंगाओ ये, हमारा ऑर्डर लिख लो। हाँ जी सर, ऑर्डर लिखेंगे दाल मखनी और जाना भी है, लेट भी हो रहा है काफी, वैसे टाइम सही टाइम पे पहुँचने हैं वैसे अपना, एकदम एक्यूरेट है, हाँ एकदम एक्यूरेट टाइम पे पहुँचने हैं, पहले की तरह नहीं होता कि हम रात में पहुँच गए 11 बजे। अब ओवरऑल सारा सेटअप सही है, बाइक का, राइडिंग गियर्स का और अपनी बॉडी भी अच्छे से वर्क कर रही है, क्योंकि खाटुंगला पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था ऑक्सीजन का, तो आप ठीक है। तो यार खाना खा रहे हैं और बहुत टेस्टी खाना है। हम हैं यहाँ पे नुब्रा में, 101 किलोमीटर ढाबा के नाम से है, तीन गुम्बद से बने हैं, इसके जस्ट अपोजिट में है, नियरेस्ट पेट्रोल पंप भी पड़ता है, तो खाना खाते हैं फिर आगे की राइड कंटिन्यू। Keep us alive.
यार नुब्रा से साइड में से निकल के ना जहाँ से हमने डिनर किया है और सॉरी जहाँ से हमने लंच किया है उसमें सीधी सीधी रोड आती है। क्या मज़ेदार रोड है यार ये, एकदम सीधी सीधी है कई किलोमीटर तक और नज़ारे देखो भाई अद्भुत नज़ारे एक नंबर, मज़ा ही आ गया राइड करके ना। और यहाँ पे जैसे ही ये रोड स्टार्ट होते है इससे पहले ही आपका वो पड़ता है पेट्रोल पंप एक, आपको यहीं पर मिलेगा। यार ये रोड जो है ना कितने ब्यूटीफुल लग रही है, पहाड़ और सीधी रोड, भगाए जाओ भगाए जाओ भगाए जाओ। ये हिमालयन का ग्रुप है जो निकल रहा है, अल्टीमेट नज़ारे, जितना देखो जितना दिखाओ उतना कम। और साथ में ही रिवर चल रही है और उसके साथ में ही ये ऊपर पहाड़ पे चल रहा है रास्ता। अभी हम नुब्रा जा रहे हैं, बुद्धा जी स्टैचू जो है वहाँ पे जा रहे हैं और मज़ा आएगा यार काफ़ी। आज ही हमें वापस भी आना है, फिर पेंगोंग के लिए निकलना है, पेंगोंग में स्टे करेंगे हम, इसी रास्ते से आई थिंक वापस आना पड़ेगा। लगभग अगर आप लद्दाख प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई मस्ट आप ऑक्सीजन कैन ज़रूर रखिएगा और आप हाईली मोस्ट रिकमेंड कपूर ज़रूर रखिएगा। कपूर से बहुत रिलीफ मिला हमें, हमें क्या है कि अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर आप ये मानो कि कपूर से हमारा पूरा खादुंगला क्रॉस हो गया। अल्टीमेट व्यू भाई साहब। वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट डिस्किट भाई साहब, अमेजिंग फीलिंग। हमारे हिमालयन वाले भाई इतने सारे टू नुब्रा वैली। एंट्री टिकट्स यहाँ पे लेनी पड़ेगी, यहाँ पे लिखा है पर पर्सन 40 रुपीज़। साइड में लगाते हैं फिर देखते हैं। भी लेना हो पेट्रोल, इंजन ऑयल, पेट्रोल का आई थिंक मेरे को देखना पड़ेगा, इंजन ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें आई थिंक मिल जाती है, क्योंकि मैंने पता करा है कि इंजन ऑयल मेरे को चेंज कराना है तो वहाँ से मेरा इंजन ऑयल चेंज हो जाएगा इजिली। पार्किंग तो भाई लोगों ये है पार्किंग, प्रतिमा काफ़ी ऊँची है 106 फिट, बट ये बैक साइड है, फ्रंट साइड आपका अपोजिट साइड है जहाँ पे हम बाइक लगाने के बाद हम जाएंगे, बाइक को लगाते हैं पार्किंग में फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यार बुद्धा की प्रतिमा पे जा रहे हैं, वहाँ पे पीछे लिखा हुआ था डिस्ट्रिक्ट चंबा, अपनी बाइक वहाँ खड़ी है और ऑफ रोडिंग करते हैं, यहीं से चलते हैं यार, बहुत लंबा पड़ेगा उधर से। आयो ट्रैक करते हो, बस फिसलने मत, कोई छोटे से आ जाओ इधर से, चलो इधर से आओ। वही होगा 5 किलोमीटर वही दिख रहा है। तो यार आ चुके हैं बुद्धा की मूर्ति के पास जो कि काफ़ी ऊंची है, 106 फीट के लगभग ये है। आ जाओ दिखाते हैं आपको व्यू, देखो व्यू, व्यूज के भाई एक नंबर, मन कर रहा है यहाँ से जाए ना, जाने का मन ही नहीं कर रहा लगभग। सोचो कि यहीं पर ही बैठे हैं, है ना, सोचते हैं यहीं पर ही बैठे हैं। अब मैं दिखाता हूँ बुद्धा जी की मूर्ति, तो भाई ये 106 फीट ऊंची बुद्धा जी की मूर्ति है और यहाँ से नज़ारे क्लाउड अल्टीमेट। और यहाँ पे आने का एक ही मकसद है भाई, अगर ले आ रहे हो जो, अगर यहाँ नुब्रा नहीं आए तो कोई फ़ायदा नहीं, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। अल्टीमेट नज़ारे हैं यार यहाँ के ना, नुब्रा वैली
भाई अगर इधर आ रहे हो लेह की तरफ तो इधर जरूर विजिट करना, काफ़ी अच्छी जगह है। ऐसे सेंड की फ़ोटो, हाँ आप यहाँ पे बाइक लगाओ ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे हैं हम, और भाई मोस्ट रिकमेंड जगह है, अगर आप नुब्रा आ रहे हो तो बुद्धा स्टैचू के पास ज़रूर आना। और यहाँ पे भाई साहब एकदम आप ऊपर जाके इतना अच्छा फील करोगे ना, मतलब कि इतनी अच्छी अच्छी इमेज भी आएगी आपकी, इंजॉय करोगे, मतलब बैठने की जगह भी है, आप इंजॉय कर सकते हो, फैमिली के साथ भी आ सकते हो, और राइडर हो तो आप अपने बाइक्स के साथ भी आ सकते हो। इंजन ऑयल होगा उधर है, कौन सा है, बाइक का है? 10W40 फुली सिंथेटिक होता है, ये सेमी सिंथेटिक है, इसका तो मुझे भी नॉलेज नहीं है। सेमी सिंथेटिक नहीं है, कितने का है ये? 300 का। और होगा इससे हैवी में? इससे हैवी में नहीं, आगे मिलेगा कहीं पर फुली सिंथेटिक तो पता नहीं। हाँ हाँ जी सर। चलो जा रहे हैं हम हुंडर नुब्रा बुद्धा स्टैचू से तो हम निकल चुके हैं, अब हुंडर जा रहे हैं हम, देखते हैं वहाँ पे सैंड ड्यून्स कैसा मज़ा आता है क्या है। अभी तो बहुत टाइम है, वैसे 5 बज रहे हैं, यहाँ पे दिन रात को 8 बजे ढलता है, देखते हैं जाते हैं कैसा इंजॉयमेंट लेते हैं। अब हुंडर आ गया है 4 किलोमीटर, और भाई रेगिस्तान सा ये आने लग गया है पूरा, अच्छा सा लग रहा है, एकदम बालू वाली रेत है ये, बालू बोलते हैं रेत को, बालू वाली रेत है ये, बालू है मतलब इतना सारा रेत। पड़ता कराते तो राइट हैंड पे मुड़ जाओगे तो हुंडर, और सीधा निकल जाओगे तो दोस्त। और भाई साहब क्या अल्टीमेट एक्सपीरियंस है यार यहाँ का, एकदम से पहाड़ आते आते ही रेत वाले पहाड़ आने लग गए अलग ही। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आने वाले टाइम में भी यहाँ पे काफ़ी शॉप्स वगैरह ओपन हो जाएगी। जैसे डेजर्ट स्टार्ट हो जाता है और लेफ्ट हैंड पे सारे कैंप्स और राइट हैंड पे सारे कैंप्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा ऑफ रोड है, बाकी देखते हैं डेजर्ट में क्या क्या हमें करने को मिलता है, या देखते हैं जाके। और अल्टीमेट नज़ारे हैं यहाँ के भी रेत के ऊपर, और गाड़ियाँ इधर लगी है, इधर ग्राउंड है, ग्राउंड टाइप का है, बाकी देखते हैं अंदर जाना पड़ेगा कहाँ तक हम जा सकते हैं कहाँ तक नहीं जा सकते। कैमल राइड तो भाई उधर हो रही है, पीछे चलना पड़ेगा, इधर नदी सी है लेक। उधर जाना है, कैमल राइड करना है। तो भाई यहाँ पे हुंडर आ गए हम डेजर्ट, और ये ब्रिज पार करके हम जाते हैं। अरे बाप, ये पार करके आप आगे देख के आते हैं क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है। तो भाई यहाँ पे कुछ डांस चल रहा है, और कपड़े पहन के आप अपनी फिगर यहाँ पे, और ये कैमल राइड, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ठीक है, और यहाँ पे ATV का है, ATV का प्राइस पता करके आते हैं अगर सही होगा। देखो यहाँ पे लिखा है ATV राइड भी होती है, ATV राइड का इधर से रास्ता है। भाई हुंडर एक नंबर जगह है, सारा डेजर्ट है, आप इंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ, फैमिलीज भी यहाँ पे आई है, काफ़ी इंजॉय कर सकते हो आप।
एक राइड का 1000 रुपये है और 4 किलोमीटर तक की राइड है, ठीक है। और सैंडी उसके ऊपर पीछे एक आपको गाइड मिलेगा, ठीक है। अगर प्लान बनता है तो ATV राइड करेंगे, काफ़ी बड़ी ATV है यहाँ पे, जो मैं दिखा देता हूँ। 1000 रुपीज़ 4 किलोमीटर, वहाँ पे 1200 रुपये थे और इससे छोटी वो ATV थी। ये फुल वो एडवेंचर वाली है भाई, ये एडवेंचर है ATV, मज़ा ही आ जाएगा इसको चला के ना, एक नंबर हाइक। गाइस यहाँ पे आप कैमल राइड भी कर सकते हो, काफ़ी इंजॉय कर सकते हो कैमल राइड के साथ इस तरीके की। भैया आपको बीमार दिखते हैं भैया, क्या प्राइस है कैमल राइड का? भैया क्या प्राइस है कैमल राइड का? 350। और कितना दूर तक लेके जाओगे उसको? 10-15 मिनट जाएगा सर, कैमल रुका है सर उधर तक जाने। चलो भाई 350 इसका कॉस्ट है, बाकी उधर जहाँ तक बहुत सारे कैमल है वहाँ तक लेके जाएंगे भाई, छोटी छोटी कैमल है, क्यूट क्यूट से। तो यार अपने रूम के बाहर ही पार्किंग मिल गई, काम बढ़िया हो गया, यहीं पे बाइक लगा देते हैं। और चलो गाइस यार इस टाइप का कुछ रूम है, मैं दिखा देता हूँ, छोटे सा कार्टेज टाइप का बना रखे, डबल बेड है। एक रूम में हम 3 जने आ जाएंगे और एक रूम में 2 जने। एक कुछ अटैच वॉशरूम है जो व्यू के साथ आप नहा सकते हो यहाँ पे। तो भाई मज़ा आ गया, थक गए हैं काफ़ी ज़्यादा, सामान अनपैक करते हैं फिर आपसे मिलते हैं आगे की वीडियो में। तो भाई रूम के बाहर कुछ एंजॉयमेंट चल रहा है भाइयों के साथ। अब हम बाइक यहाँ पे खड़ी है, अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं टेंट, उसमें थोड़ा सा कुकिंग वुकिंग करेंगे, थोड़ा सा एंजॉयमेंट करेंगे। एक बंदा टेंट में सोएगा और एंजॉयमेंट हो जाएगा, एंजॉय करेंगे और खाना वाना खाएंगे, फिर सुबह यहाँ से निकलेंगे। तो अभी देखते टेंट लगाते हैं, रुक जाओ भैया की हेल्प कर देते हैं इसको रख। तो भाई हमने यहाँ पे टेंट लगाया, तो बिल्ली मुआयना कर रही है। बिल्ली नहीं, छोटा शेर है वो, छोटा शेर छोटा शेर। तो भाई कैंपिंग यहाँ पे लग गया, अपना रूम ये है हट वाला, बाइक अपनी यहाँ पे लग गई है। समझ आता है भालू भी आ सकता है, इससे क्या समझ आता है भालू भी आ सकता है। भैया शेर आ गया आपके टेंट में? शेर आ गया, ये चीता, चीता आ गया था, चीता ही लग रहा है वो, देखिए बाइक के नीचे, बाइक के नीचे अभी सूंग के गया सबको। भाई सब यहाँ पे हो रही है कैंपिंग, अभी कैंपिंग का सेटअप हो चुका है, अपने यहाँ पे चाय वाय बनाते, कॉफ़ी बनाते हैं और पीते हैं, फिर खाना बाद में खाएंगे। खाना हम होटल में ऑर्डर दे दिए, वैसे थोड़ा बहुत मैगी वैगी बनाएंगे। इस टाइप का कुछ सेटअप है, अपना कैंप लग गया, अपना किचन सेट और अपना स्टोव, कैंपिंग स्टोव बाइक के लग गई, चेयर हमने लगा ली, अभी बॉनफायर भी कर लेंगे और अपना कुछ खाएंगे भी। वो स्क्रीन बदल, अच्छा मार्का MSK /2 चाय का सेटअप तैयार हो गया भाई, पानी की गैस भी जल गई, गैस जल गया, अपना चाय बनाते हैं और कैप लगा देते हैं, जल्दी गर्म हो जाएगा। इसमें मिल्क, मिल्क भी सब होगा ना, इसमें प्रीमिक्स, पूरा प्रीमिक्स है पूरा, शुगर भी। कार्टून चाय के लिए कप वो दे रहे हैं, कुछ मजे करेंगे और ठंड हो रही है तो चाय वाय पीते हैं मजे से। अरे ऐसे ही इनका, अरे मैंने कर नहीं रखा, अभी कप नहीं आया ना, कैन पे कुछ नहीं होगा, नहीं कैन पे कुछ नहीं होगा, ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन बोतल है ना। तो यार अब बहुत तेज भूख लग रही है, जैसे भी करते चाय तो पीते हैं, बाकी कुछ नमकीन वमकीन निकालते हैं वो खाते हैं जब तक खाना वाना आ जाएगा, अपना ऑर्डर हो जाएगा। और आज फर्स्ट टाइम मैं कैंपिंग, ऐसे कैंपिंग का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मेरा कैंपिंग का एक्सपीरियंस है मेरे फ्रेंड्स के साथ, जो कि एक भैया है हमारे वाराणसी से हैं और एक हर्ष है जो कि अपने जगतपुरी दिल्ली से ही, जगतपुरी से हैं, और एक हमारे अभिषेक भाई जो हमारे कस्टमर के थ्रू हमारे से मिले और मेरे साथ
यहाँ पे कैटरिंग करेंगे, हमेशा साथ राइडिंग करेंगे और आगे से सारी राइड है हमारी साथ में होने वाली है। हमारा एक ग्रुप बन गया है, जितनी भी राइड होंगी सब साथ में होने वाली है एकदम साइड में। तो गाइस यार यहाँ पे अपनी चाय बन रही है, कैंप अपना सेटअप लग चुका है सारा। और भाई साहब एक्सपीरियंस बताओ कैंपिंग का कैसा रहा? मजा आ गया एकदम। और आपका हो गया। ओके भैया आपको कैसा लगा? एकदम मजा आ गया, मजा आ गया ना। जल्दी जल्दी चाय पीते हैं भाई साहब, चाय पीते हैं अब जल्दी से, ठंडी हो जाएगी नहीं तो। और अपने एक लेजी बॉय को अंदर बुलाते हैं उसको। हो गया खोल गया, चाय निकालते चलो। तो गाइस यार चाय बन चुकी है, चाय टेस्ट करो भैया। चाय रेडी हो गई है जो कि भाई बहुत अच्छी लग रही है। ये कैंपिंग के पूरे मजे लेते हुए और वो अभी तक आया नहीं लड़का, कपड़े चेंज करके। चाय है? मजा आ गया एकदम। चाय पी के बताते, टेस्ट करते कैसी है। मैं ये वाली लूंगा, ज्यादा वाली। वाह वाह स्वाद है भाई, मजेदार मसाला चाय है ना। नहीं इलायची है, इलायची चाय। कितना बढ़िया लग रहा है प्रिंस, बहुत टेस्टी। तब भी आपको फॉरेस्ट एरिया में अगर कैंपिंग करते हैं तो बेस्ट है ये चीज। हां बेस्ट है, इसमें मसाला भी आ गया। हां इसमें मसाला भी है ना, आगे डिनर वगैरह लंच वगैरह कर सकते हो। सब खाना प्लेट भी आने लगा दिया एकदम बढ़िया करके। और बुफे सिस्टम भी है आपका, अगर आप यहाँ पे आते हो ग्रुप के साथ आते हो, फैमिली के साथ आते हो, तो बुफे सिस्टम भी आप ले सकते हो। इसलिए आपको खाने का व्यवस्था सब मिल जाएगा यहाँ पे। अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो भैया यहाँ का लोकेशन और बता दो, अगर किसी कस्टमर को आना हो तो कौन सी लोकेशन पास पड़ेगी? यहाँ सेंट रूम के बगल में ही है, यहाँ पे नुबरा सराय जो बहुत पुराना यहाँ पे कैंप है, हमारे बगल में ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रीप का जो कैंटीन है ओके, तो उसके पीछे ही है जस्ट। और ये सेंट वाले रास्ते में है, और फोन नंबर भैया के लिखे हैं, आप स्क्रीन शॉट खींच लीजिए इसके। और जगह एकदम, लोकेशन एकदम बढ़िया है और भैया डिस्काउंट भी अच्छा खासा देते हैं। और आप एक बार अगर इधर की साइड हुंडा की तरफ आ रहे हैं तो एक बार विजिट करके देखिए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। कुछ स्पेशल यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह रखा है खुसूसन बाइकर्स के लिए, क्योंकि ये लोग एक बजट में चलना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इससे क्या होता है एक दूसरे का फ्रेंडशिप जो है वो मतलब इसमें बढ़ जाते हैं। हाँ ये क्या है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी भैया ने, बाइकर्स के लिए बहुत रिजनेबल रेट रखा हुआ है और फैमिली के लिए भी सेम रेट फैमिली के लिए। कोई इशू नहीं, बट आप आइए बात करिए, आपको जो भी आपको बेस्ट होगा वो डील आपको देंगे। डिनर भी हो जाता है यहाँ पे, लंच भी है, ब्रेकफास्ट सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो यार अपना खाना आ चुका है, काफ़ी अच्छा डिलीशियस बनाया भैया ने खाना। और खाते हैं फिर आपसे आगे वीडियो में मिलेंगे, व्लॉग को एंड करेंगे यहाँ पे। आज का व्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं। और खाना वाना खा लिया, कैंपिंग कर लिया, कैंप के भी एक्सपीरियंस ले लिया कि क्या कैंपिंग में क्या क्या ख्याल रखना होता है। और जिसमें हम रुके हैं कॉटेज में, उसके बाहर ही उनका जंगल एरिया था तो वहाँ पे हमने लगा लिया। और अभी कुछ डाटा कॉपी करके सामान पैक करके सुबह निकल लेंगे अपना पेंगोंग की तरफ, पेंगोंग लेक। और मिलते कल के ब्लॉग में। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देना, आने वाले कंटेंट वीडियोस आपको पता लगते रहेंगे। See us going